Hello, everyone. I welcome you all for the three years of Bachelor's of Commerce degree. Since all of you have now entered the three years degree college, and this is the first year of your commerce, which is called as FYBCOM. So, today we will be having the introduction related to the various subjects, and we will be also discussing on which are the subjects which you should concentrate you'll not get any kind of kt in the examination that means kt is a new word for you so we will have a discussion about all the points and how you should concentrate on the subjects equally so that you can get uh, good marks related to your subjects and you can clear your semester examination so this uh, video will be having discussion related to the uh, subjects we will be also discussing about uh, the subject which i am going to teach you we will be also having discussion about the various strategies which you can have uh, so that by implementing that strategies you can score more in the examination so first and the foremost point you have to do what you have to press the subscribe button below as well as press the bell icon the benefit of doing this is you will be getting all the videos एंड ऑल द लेक्स यू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन तो हम क्या करने वाले हैं हम अभी फिलहाल सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly आपके एफ आई में क्या क्या सब्जेक्ट्स है और ये सारे सब्जेक्ट में आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो कमेंट सेक्शन का बटन है वहां पर आप जाइए और आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखे ताकि मुझे पता चले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग सो दैट आई कैन मार्क यूर अटेंडेंस अकॉर्डिंगली तो जितने भी बच्चे हैं उस बेसिस पे यू कैन राइट योर फर्स्ट नेम अगर लिखा तो भी चलेगा तो फर्स्ट नेम आप लिखो कमेंट में एवरीबडी इज टू राइट द फर्स्ट नेम एंड देन वी कैन बिगिन विद वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे दैट विल बी द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर फर्स्ट ईयर बी कॉम एंड विल बी ऑल्सो डिस्कशन डूइंग डिस्कशन अबाउट द

ओवर हियर और काफी बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं फ्री में तो आप उस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं चलो बहुत सारे बच्चों ने अपने नाम लिख दिए हैं तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे एफ बी कॉम के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से तो डायरेक्टली मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली एफ बी कॉम के सब्जेक्ट्स क्या है तो अगर मैं डायरेक्टली आपके साथ स्क्रीन शेयर करता और मैं अपना फेस नहीं दिखाता तो आपको पता नहीं चलता हु इज द टीचर हु इज गोइंग टू टीच यू दैट इज वाई मैंने पहले ये फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड किया उसके बेसिस पे आपको अभी मैं स्क्रीन मेरी शेयर कर रहा हूँ तो तो शुरू करते हैं एफ आई बी कॉम इंट्रोडक्शन से एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑल सब्जेक्ट्स वैसे तो आप अपने एफ आई बी कॉम के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं तो हमें टोटल सेवन सब्जेक्ट्स एफ आई बी कॉम में पढ़ने हैं और ये हर एक सब्जेक्ट का एक डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको किस तरीके से फोकस करना है आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आ, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो और आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स आर आस्किंग वन क्वेश्चन टू एवरी टीचर दैट जस्ट टेल मी वेदर द एग्जाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन सो इफ

देखना है उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके होंगे किस तरीके से ये सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है कौन से सब्जेक्ट आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में होंगे कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ने तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस तो ध्यान से सारी चीजों को सुने और अगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड नाउ यू ऑल आर इन दी एफ आई बी कॉम आई अज्यूम कि आपने अभी फर्स्ट ईयर कॉमर्स में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में आप अभी एडमिशन लेके अभी अपना जो कॉलेज है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और इसमें जो आपकी तीन साल की डिग्री है दैट इज थ्री इयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स जिसको हम क्या कहते हैं बी कहते हैं मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे थ्री इयर्स की बैचलर्स डिग्री है अगर आप तीन ईयर कंप्लीट करते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर थ्री इयर्स गेट अ डिग्री विच इज कॉल्ड एज बी so that will be called as Bachelor of Commerce. Similarly, अगर कोई Science student है तो वो तीन year की डिग्री कम्पलीट करता है उसे बी की डिग्री मिलती है दैट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद उसको आर्ट्स की डिग्री मिलती है दैट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स तो बैचलर्स डिग्री करने के बाद तीन साल के बाद आ, आप अगर और दो साल स्पेंड करोगे तो आप मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करोगे दैट विल बी एम कॉम तो हमें बी से क्या याद रखना है बी से बैचलर्स है अभी फर्स्ट ईयर बी कॉम सेकेंड ईयर बी कॉम और थर्ड ईयर बी कॉम ऐसे आपके तीन साल है तो दिस थ्री ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक ईयर में आपके पास दो सेमिस्टर्स है एफ वाई बी कॉम में सेमिस्टर वन सिमिलरली एफ वाई बी कॉम में सेमिस्टर टू ऐसे आपके एस वाई बी कॉम में भी दो सेमिस्टर होंगे एस वाई बी कॉम में सेमिस्टर थ्री और एस वाई बी कॉम में सेमिस्टर फोर सिक्स सिक्स मंथ्स का जो सेमिस्टर पैटर्न है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं फिर टी वाई बी कॉम में भी सेमिस्टर फाइव और टी वाई बी कॉम में सेमिस्टर सिक्स मतलब एफ वाई बी कॉम वन टू एस वाई बी कॉम थ्री फोर टी वाई बी कॉम फाइव सिक्स और जब आप अपना टी वाई बी कॉम ग्रेजुएशन कम्प्लीट करोगे तब आपको पूरे तीन साल का जो मार्क्स मिला हुआ है उसका एवरेजिंग करके सी जी पी ए आपके मार्कशीट में डिस्क्लोज किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें हर एक ईयर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है जैसे कि आपने टेंथ स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया 11th स्टैंडर्ड के बाद आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में गए एंड ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन एग्जाम नहीं हो पाया और आपको अपने पिछले मार्क्स के बेसिस पे ग्रेडिंग दिया गया इसलिए आपको पता चला होगा कि पिछले मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बट यूजुअली पहले क्या बच्चे करते थे पहले क्या करते थे कि टेंथ स्टैंडर्ड के बाद इलेवेंथ स्टैंडर्ड थोड़ा रिलैक्स होते थे एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में दे यूज टू स्टडी तो अभी हमें ऐसा नहीं करना है हमें हर एक साल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज एफ वाई के मार्क्स के बेसिस पे एस वाई के मार्क्स के बेसिस पे टी वाई में जो आपका एवरेजिंग आएगा सी जी पी आएगा वो आपके ओवरऑल तीन साल के बेसिस पे डिपेंड करेगा तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है तो वी विल बी हैविंग थ्री इयर्स कंबाइंड डिग्री विच विल बी कॉल्ड एज बैचलर्स ऑफ कॉमर्स तो ये तीन साल की डिग्री जो रहेगी दैट विल बी कॉल्ड एज बैचलर्स ऑफ कॉमर्स तो अभी हम कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं एफ आई की बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि वी आर हैविंग टोटल सेवन सब्जेक्ट्स लेकिन इसमें से कोर सब्जेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो सब्जेक्ट्स हैं कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके एस वाई में भी होगे यही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके टी वाई में भी होगे तो दिस इज द कोर सब्जेक्ट बिकॉज कॉमर्स अगर हमने लिया तो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी ठीक है बाद में हमको फिर उसमें अलग अलग टाइप के अकाउंटेंसी पढ़ने हैं अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंसी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सो तो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटेंसी बट अगर हम एफ वाई की बात करें तो हमको दो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट इसमें करने हैं सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है ए एफ एम फुल फॉर्म क्या है इसका अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द सब्जेक्ट नंबर वन एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स तो यू आर मेजरली फोकसिंग ओवर हियर ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स तो दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स विल बी इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एज वेल एज इन द थर्ड ईयर तो हर साल आपको ये दो सब्जेक्ट जो है वो रहने ही वाले हैं सेमिस्टर वन से लेके सेमेस्टर सिक्स तक ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं दैट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ एफ वाई बी कॉम विच यू हैव टू सी तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको अकाउंटेंसी हर साल पढ़ना है हमको इकोनॉमिक्स भी हर साल पढ़ना है सिर्फ कभी अकाउंटेंसी दो आएंगे कभी अकाउंटेंसी एक रहेगा तो वो आपके हर ईयर के बेसिस पे चेंज होते रहेगा बट अकाउंटेंसी आपको पढ़ना है तो हमारे दो कौन से सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकेंड है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कमेंट में सभी लोग कमेंट करेंगे हमारे कौन से सब्जेक्ट है ताकि आपके दिमाग में ये सब्जेक्ट्स फिट हो जाए नंबर वन दैट इज अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नंबर सेकेंड इज इकोनॉमिक्स नाउ लेट अस हैव डिस्कशन ऑन द थियरी सब्जेक्ट्स विच यू आर गोइंग टू लर्न विच यू आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली इन एफ वाई बी कॉम सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर टू तो हम जो थियरी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सबसे पहला सब्जेक्ट आपको काफी इम्पॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट आपको काफी हेल्प करेगा अपने करस्पॉन्डेंस को बढ़ाने के लिए दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन तो हम इसमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे आपको इसमें सारी चीजें बिजनेस ओरिएंटेड पढ़नी है जैसे कि अगर आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और वही अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तो लेटर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें आप इसमें सीखोगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ पर्सन आपको नॉलेज होना चाहिए एज अ स्टूडेंट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए तो एवरी थिंग दैट विल बी रिलेटेड विद योर कम्युनिकेशन बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेट करेगी तो दैट विल बी बिजनेस कम्युनिकेशन ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है ये आपको सेमेस्टर वन में भी पढ़ना है और यही सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर टू में भी पढ़ना है दैट इज बीसी तो सब्जेक्ट का फुल फॉर्म बिजनेस कम्युनिकेशन और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसी सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्स वन कॉमर्स वन ये सब्जेक्ट जो है पहले इसका नाम था बी डी दैट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट फिर इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ही हमारा कॉमर्स का पेपर आता है दैट इज कॉल्ड कॉमर्स सब्जेक्ट अभी आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में आप इसमें सर्विस सेक्टर के बारे में सर्विसेज के बारे में ये सब्जेक्ट में हम इसमें पढ़ लेंगे दैट विल बी कॉमर्स पेपर वन तो कॉम कॉम वन का सब्जेक्ट है कॉम वन कॉम टू कॉम थ्री ऐसे बोला जाता है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कॉमर्स का पेपर ऐसे याद रखना एंड दैट द सब्जेक्ट नेम इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन सेमिस्टर वन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फाउंडेशन कोर्स तो फाउंडेशन कोर्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफ सी कहते हैं तो बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एफ वाई में भी पढ़नी है और यही सब्जेक्ट आपका एस वाई में भी कंटिन्यू होगा दैट विल बी फाउंडेशन कोर्स जनरल नॉलेज काफी आपको इस सब्जेक्ट से मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एस एफ सी अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी रिलीवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना चाहिए बिकॉज आपको पता ही है अभी कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसके वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज में इसका इफेक्ट देखा गया है तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए ये जो पॉइंट्स है इसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जिसको हम ईवीएस कहेंगे तो ईवीएस जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ जो आपका सब्जेक्ट नंबर वन है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन और जो आपका सब्जेक्ट नंबर फोर्थ है दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज ये दोनों सब्जेक्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ एफ वाई बी कॉम में ही पढ़ना है अगले साल आपको एस वाई बी कॉम में बी सी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है और एन्वायरमेंटल स्टडीज का भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तभी आपके सामने कोई नए सब्जेक्ट्स आएंगे कॉमर्स का सब्जेक्ट आपको इस साल भी पढ़ना है अगले साल भी पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट आपको इस ईयर में भी करना है एज वेल एज नेक्स्ट ईयर में भी उसको करना है लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन दैट इज द बी सी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आप एफ वाई बी कॉम में ही पढ़ने वाले हो इसको हमें एस वाई बी कॉम में कंटिन्यू नहीं करना है मतलब दो सब्जेक्ट्स के बारे में आपको अलग सब्जेक्ट्स एस वाई बी कॉम में आएंगे तो दीज आर द टोटल फोर थियरी सब्जेक्ट्स तो अभी तक हमने कितने सब्जेक्ट देख लिए फोर थियोरी सब्जेक्ट्स है और इसके पहले मैंने आपको दो सब्जेक्ट बताए इकोनॉमिक्स भी एक थियरी सब्जेक्ट है लेकिन ये कोर सब्जेक्ट का पार्ट है इसलिए मैंने आपको उसमें बताया था तो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स दिस टू आर द कोर सब्जेक्ट्स थियरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वी हैव बिजनेस कम्युनिकेशन विच विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एस बी सी कॉमर्स विच इज द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस देन फाउंडेशन कोर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज तो दिस ऑल फोर सब्जेक्ट्स आर थ्योरी एंड द इकोनॉमिक्स विच वी सीन इन द कोर सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ थियरी सब्जेक्ट तो वो आपका थियोरी सब्जेक्ट होगा अब अगले सब्जेक्ट में जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट बोल सकता हो बहुत ही कैल्क्युलेटिव सब्जेक्ट बोल सकता हो और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट बोल सकता हो आप कहेंगे ईजी सब्जेक्ट बिकॉज मैथमेटिक्स या मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आता है उसके लिए ईजी है जिसको नहीं आता उसके लिए इससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कोई भी नहीं है सो डोंट वरी अबाउट दैट तो आपको जो मैथ्स के फैकल्टीज होंगे वो बेसिकली अच्छी तरीके से प्रिपरेशन इसका करवाएंगे आपको मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए क्या करना है मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितना आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ग्रिप होगा एंड जितना आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ग्रिप होगा उतना आपको यह सब्जेक्ट्स परेशान नहीं करेगा अगर यह हम सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देंगे अगर हम उसको लेडगो करेंगे अगर यह सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ना प्रिफर नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देगा तो इसलिए आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एक आपका सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है और अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट में बताया वो आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यू आर हैविंग टोटल हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग टोटल सेवन सब्जेक्ट्स तो देखते हैं एक बार फिर सेवन सब्जेक्ट्स में पहला है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड इज यूर बिजनेस इकोनॉमिक्स थियरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वी हैव बी सी दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट इज द सब्जेक्ट आपने देखा होगा मैंने ये मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के नीचे एक लिखा है वन ईयर सब्जेक्ट मतलब ये बहुत सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज है ये बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक ऑफ रिलीफ बोल सकते हैं हम कि मैथ्स uh, का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ईयर में पढ़ना है दैट इज ओनली इन एफ लेकिन कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट इतना अच्छा लगता है कि वो ये सब्जेक्ट को एस में भी पढ़ना चाहते हैं डोंट टेक इट अदर वे मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट उनको इतना अच्छा लगता है कि इसमें वो फेल हो जाते हैं और वो एसवाई में भी ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके इसकी एग्जाम देते रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज के सिस्टम तो ए टी के टी हम बोल सकते हैं एटी के टी का फॉर्म होता है अलाउड टू कीप टर्म्स मतलब आपका अगर सेमिस्टर वन में दो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए और सेमिस्टर टू में भी आप दो सब्जेक्ट में फेल हो गए मतलब कितने सब्जेक्ट में फेल हुए आप टोटल चार सब्जेक्ट में फेल हुए तो एटीकेटी के टी के रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अगर आप सेमिस्टर वन में दो सब्जेक्ट में फेल हुए और टोटल सेवन सब्जेक्ट्स में से दो और सेमिस्टर टू में भी हमारे पास सेवन सब्जेक्ट्स है उसमें से हम दो सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमें कितने सब्जेक्ट में केटी लगी हमें चार सब्जेक्ट में केटी लगी टोटल चार सब्जेक्ट कैसे सेमिस्टर वन के दो और सेमिस्टर टू के दो तो ऐसे चार सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तभी भी आप अगले ईयर एस वाई बी कॉम में एडमिशन ले सकते हैं और एस वाई बी कॉम में आप एस वाई की भी पढ़ाई करोगे और जो पिछले आपके चार सब्जेक्ट की केटी थी उसका भी प्रिपरेशन करके उसको भी क्लियर करोगे मतलब कि आपका एक साल जो है वो बर्बाद नहीं होगा आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो लेकिन इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि चार के टी अलाउड है तो टोटल फोर केटीज़ आर अलाउड लेकिन फोर के टीज कैसे बच्चा एक ही सेमेस्टर में चार के टी अगर लेता है तो वो फेल्ड है उसका एक साल ड्रॉप लगेगा चार के टी मतलब एक सेमेस्टर में दो के टी दूसरे सेमेस्टर में दो के टी ऐसे चार के टी उसको अलाउड है और उसको चार से कम लग गई अगर एक सेमेस्टर में एक लगी दूसरे सेमेस्टर में एक लगी तो भी चलेगा लेकिन उसको एक सेमेस्टर में एक लगी और दूसरे सेमेस्टर में अगर थ्री के लगी तो भी नहीं चलेगा क्योंकि लिए एक सेमेस्टर में मैक्सिमम दो के उसको अलाउड है तो एक सेमेस्टर में दो से ज्यादा के लगती है तो आपका ड्रॉप लग सकता है इसीलिए इसी तरीके से प्रिपरेशंस करें कि हमको के लगे ही नहीं ऐसा जब आप पहले से प्रिपरेशंस कर रहे थे इलेवेंथ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड तब ये आपके सामने ये कोई कंसेप्ट नहीं था के का लेकिन अभी आपके सामने ए टी टी का कंसेप्ट आया है तो हम इस तरीके से प्रिपरेशन्स करेंगे कि के सिस्टम आपको लगे ही नहीं आपका फर्स्ट ईयर पूरा सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्लियर हो जब आप अगले साल जाओगे तो नया पढ़ोगे नया के साथ पुराना पढ़ने में कोई भी मतलब नहीं है अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशंस करोगे तो आप नया ही पढ़ोगे पुराना लेके नहीं जाओगे दैट इज़ द बैकलॉग तो आप बैकलॉग लेके अगले साल नहीं जाओगे तो आपको याद रखना है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का जो सब्जेक्ट है वो आप सिर्फ और सिर्फ एफ वाई बी कॉम में ही पढ़ने वाले हो एस वाई में आप नहीं पढ़ने वाले अभी आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ कुछ हमको डिफरेंट करना है जितना भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से प्रिपरेशंस करने वाले हैं एंड वी नीड टू बी समथिंग डिफरेंट इफ़ वी आर डिफरेंट देन ओनली वी कैन अचीव समथिंग डिफरेंट तो स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर की अगर बात करें तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे हम दो तीन चीज़ें बताने वाला हो आपको बी डिफरेंट फ्राम अदर्स एंड फॉलो योर डेली रूटीन तो डेली रूटीन आपको फॉलो करना है जैसे भी आपको प्रिपरेशंस uh, के लिए बताया जाएगा उस तरीके से आपको डेली रूटीन को फॉलो करना है डेली टारगेट्स को अचीव करना है अगर आप डेली रूटीन को फॉलो करोगे तो यू विल भी समथिंग डिफरेंट फ्राम अदर्स एंड अदर्स विल भी डिफरेंट फ्राम यू तो हमें लोगों से डिफरेंट होना है और वो डिफरेंट हम कैसे हो सकते हैं इसके लिए हमारा एक डेली शेड्यूल होना चाहिए बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है टाइम टाइम ऐसी चीज़ है वो एक बार जाने के बाद फिर से नहीं आएगा इसलिए आपको टाइम के ऊपर फोकस बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहली चीज़ है कीप योर डेली टारगेट्स ट्राई टू अचीव योर डेली टारगेट्स सो यू शुड हैव योर डेली टारगेट्स आपने एक दिन का टारगेट बनाना है कि इतनी चीज़ें आज मुझे करनी ही है तो उतनी चीज़ें जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको अपने बाकी के चीज़ों में फोकस नहीं करना है तो यू शुड हैव योर डेली टारगेट्स एंड यू शुड फोकस ऑन योर डेली टारगेट्स तो अगर आप डेली टारगेट्स को डेली फोकस करते हो तो ऐसा अगर आप 21 डेज को फॉलो करते हो तो 21 डेज़ के बाद ट्वेंटी सेकेंड डे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऐसा माना गया है कि 21 दिन अगर हम एक ही चीज़ को हर दिन करते हैं तो हमको वो हैबिट बन जाती है और हमको फिर कोई भी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड नहीं फेस होता सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज़ रिविजन रिवीजन पे देखा जाए तो मैं बहुत एक हाथ दो घंटा बात कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे अगर ब्रीफ में आपको बताऊँ तो रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन में हमको डेली और वीकली रिवीजन पे फॉलो करना है तो बेसिकली रिविज़न बच्चे आजकल करते नहीं है जब एग्ज़ाम आती है तब पहली बार पढ़ते हैं और एग्जाम में जाने के बाद पेपर लिखते हैं बट उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आएगी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है वो हम एग्जाम में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं हमें याद नहीं आता उसका एक और एक ही रीज़न है आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक दो बार पढ़ा है आपने रिविज़न नहीं किया अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम जो है एग्जाम में जाने के बाद भूलने का या एग्ज़ाम में जाने के बाद याद ना आने का डैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आपको डेली रिविज़न करना है वो जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई पढ़ी है ऑनलाइन लेक्चर्स के बेसिस पे या फिर रिकॉर्डेड सेशनस के बेसिस पे उसका आपको रिविज़न करना है उसका आपको नोट्स बनाना है और वीकली भी रिविजन करना है पूरे वीक में जितनी चीज़ें हुई है उसको आपको वीकली भी रिवाइज करना है दैट विल क्रिएट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो दैट विल बी अ डिफरेंट पॉइंट विच यू आर डूइंग एंड विच अदर्स आर नॉट डूइंग सो वो आपको ध्यान रखना है रिविजन के ऊपर एंड थर्ड है रीड रीड एंड रीड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीडिंग तो जितनी चीज़ें आप पढ़ोगे जितनी चीज़ें आप नहीं नई एक्सप्लोर करोगे उतना आपके पास नॉलेज आते रहेगा एंड टूडे वी आर हैविंग लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अवर फिंगर टिप्स वी आर हैविंग गूगल तो कुछ भी चीजें पता नहीं है आप गूगल पे देखो यूट्यूब पे देखो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज अवेलेबल है लेकिन उसका प्रोडक्टिव यूज करो उसका नॉलेज लेने के लिए यूज़ करो तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी उसके बेसिस पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो नाउ ये कुछ अदर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसका पी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो ये अदर पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको करनी है आप जब ऑनलाइन सेशंस अटेंड करोगे तो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड दैट इज मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे तरीके से हेल्प किया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है डाउनलोड करना है लास्ट मिनट रिविजन विद आर का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपको लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम का ऐप मिल जाएगा बहुत सारा मटीरियल वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है और अकाउंटेंसी का कोर्स है एक वहाँ पर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका एफ आई बी कॉम सेमिस्टर वन का कोर्स है वैसे हम ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं तो हम फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड की फीस भरते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे मुझे YouTube से कमेंट मिलते हैं कि सर अभी कोरोना की वजह से फीस भरने के लिए हमारे पास नहीं है आप कुछ कोर्सेस लाइए ताकि हम आपके बेसिस पे कोर्सेस लेंगे तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है एफ वाई बी कॉम के अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोर्स है जिसमें आपको हर एक वीडियो प्रैक्टिकल बेसिस पे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कैसे है मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वीडियोस आपको वहां पे मिलने वाले हैं और प्राइस है सिर्फ वन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज वन नाइन्टी नाइन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा एफ वाई बी कॉम का अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर एवरी वन अगर आपको लगता है वो कोर्स आपको फायदेमंद होगा तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं ऐप में स्टोर सेक्शन है वहाँ से जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस मेरा कुछ इंटेंशन उससे अर्निंग करना नहीं है जस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से मिलनी चाहिए और अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत सारे फ्री में मटेरियल फ्री में चीजें फ्री में वीडियोस आपको ऐप आप में मिलने वाली है तो ये सारी चीजें लिंक है इसलिए आप कहीं पर भी मिस ना हो इसलिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है ऐप लास्ट मिनट रिविजन विद आर ये ऐप का नाम है प्ले स्टोर में अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दूसरा ये जो चैनल है आपकी लास्ट मिनट रिविजन आर एस एम ये मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको टैक्सेशन अकाउंटेंसी लास्ट मिनट में क्या क्या रिविजन करना है इसके सारे वीडियोज आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं तो वो कब मिलेंगे क्या मिलेंगे इसके लिए आप को क्या करना है सब्सक्राइब बटन नीचे दबाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है इसका फ़ायदा आपको ही होने वाला है बिकॉज आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरा एक दूसरा भी चैनल है राहुल मोहिले व्लॉग्स करके वहाँ पे मैं ट्रैवल व्लॉग्स और स्टॉक मार्केट अगर आपको पढ़ना है स्टॉक मार्केट क्या है स्टॉक मार्केट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप वो चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट के भी हर सैटरडे को वीडियोज मिलते रहते हैं तो वो भी चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम का तो टेलीग्राम पे जाइए लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम ढूंढे ये सभी चैनल के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े फेसबुक पे मेरा पेज है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम इंस्टाग्राम पे भी पेज है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम सभी के साथ जुड़ जाइए आपको जुड़ने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला लेकिन इसका आपको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट ही होने वाला है तो आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको लगा होगा कि इससे हमें कुछ सीखने मिला है सब्जेक्ट्स के बारे में और इसी तरीके से आपको अभी लेक्चर्स लाइव सेशंस के बेसिस पे एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के बेसिस पे मिलते रहेंगे सो आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स पता चले होंगे एग्जैक्टली exactly कि एफ आई में क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपकी किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि ये जो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो Uh, तो मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की गई है तो सोशल मीडिया का हम अच्छी तरीके से बेनिफिट लेंगे अच्छी तरीके से उसके बेनिफिट से हम हमारे स्टडीज पर्पज के लिए उसको यूज करेंगे तो लास्ट मिनट रिविजन विद आर का एप आप भी आपको डाउनलोड कर लेना है सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अभी आपको किसी को अगर पता नहीं डिस्क्रिप्शन क्या है तो जहां पे आपको टाइटल दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां से आप लास्ट मिनट रिवीजन विद आर का एप डाउनलोड कर ले सिर्फ एंड्रॉइड पे चलता है आईफोन पे नहीं चलेगा तो एंड्रॉइड वाले बच्चे इसको यूज कर सकते हैं और वहां पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तो दिस वॉज टूडे डिस्कशन वी विल मीट नाउ इन द कमिंग सेशन विद दी ओवरऑल सिलेबस विच आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर